हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से। और आज का ब्लॉग हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम सुबह सुबह उठे थे, तो तैयार हो गए हैं, फ्रेश व्रेश हो गए हैं। अभी हम चलते हैं चाय पीने। देखिए, हमारी मम्मी जी अभी चूल्हे पे खाना बना रही हैं इस समय सुबह सुबह के वक्त। चाय है, बिस्कुट और ले लेते आप हैं। लोग भी बताइए, आप लोग किनके किनके घर आज भी चूल्हे पे खाना बनता है? हमारे भी घर आज अभी तक चूल्हे पे खाना बनता है, और यह हमारा किचन है छोटा सा। तो चलिए चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से हम। तो हे गाइस, अभी हम बैठे हुए थे तो अपना खाना आ चुका है। नाश्ता क्या है? देखिए, नाश्ते में रोटी, आलू की सब्जी और दाल। और अभी हम धूप में बैठ के खाना खा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा धूप निकला हुआ है अभी, तो अभी हम छत पे ही बैठ के खा रहे हैं। तो चलिए हम नाश्ता करके मिलते हैं हम आप लोगों से। हे गाइस, अभी हम लोग नाश्ता कर चुके हैं और बैठे हुए हैं यहाँ पे धूप में। थोड़ी ठंड है इसलिए हम बाहर छत पे धूप पे हम बैठे हुए हैं। फिर देखते हैं, कुछ काम होता है तो करते हैं, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से। तो हे गाइस, अभी हम नाश्ता करके और आराम ही कर रहे थे, और दोपहर हो गया अभी। तो अभी फ़ोन आया है फूफा जी का कि बुआ जी आ रही हैं। तो अभी हम बुआ को जा रहे हैं स्टेशन पे लाने, और ट्रेन के आने का वक्त हो गया है। तो अभी हम चलते हैं बुआ को लाने, और फिर उनको ले जाके सलेमपुर भी छोड़ना है। तो अभी हम जा रहे हैं उनको लाने के लिए, और हेलमेट ले लें। अभी अब फिलहाल मैं अपने घर, बाइक है नहीं, बाइक काम से बाहर है अपना, तो गांव में किसी का बाइक मांगना पड़ेगा, तो मांगे हैं तो मिली है स्कूटी, वही लेके हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस, अभी गांव में एक दीदी हैं, सामने ही उनका घर है, उन्हीं का हम स्कूटी लेके जा रहे हैं बुआ को लाने के लिए स्टेशन पे। तो अभी हम हैं यहाँ मंगलेशी गाँव में। तो चलिए स्टेशन पर चलते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे। गाइस, अभी अभी हम बटनी स्टेशन पहुँचे हैं। यह है कि समय से पहुँच गए हैं, और अभी हमने चेक किया तो अहिल्यापुर क्रॉस कर रही थी ट्रेन, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी। तो अभी हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। हेलमेट लगाए लगाए बाल भी खराब हो गया, पर कोई ना, सेफ्टी फर्स्ट। अलाउंस भी हो गया ट्रेन का। देखिए, ये अपना बटनी स्टेशन, 4 पे आ रही है, दिखा रहा था 3 पे पर आ रही है 4 पे। अभी हम लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे उनको लेने के लिए। ये अपना बटनी स्टेशन, काफी प्यारा है। तो अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, गाड़ी आ रही है ट्रेन बुआ को लेने के लिए। पूरा भीड़ लग चुकी है, ट्रेन आने वाली है। तो गाइस, अभी हम इधर आके रुके हुए हैं, ट्रेन आने वाली है, और काफी लोग उधर खड़े हैं। इस भीड़ भीड़ लगी है इसलिए हम उधर खड़े नहीं है, ज्यादा भीड़ है। और फूफा जी ने कॉल करके बोला था कि S1 नंबर डब्बे में है बुआ, तो अभी ट्रेन आ रही है। गाइस देखो, ट्रेन आने वाली है, और लोग कितने करीब करीब खड़े हैं। ट्रेन भी आ चुकी है, और कितना भीड़ लगा है आप देख सकते हैं, और कितने करीब करीब लोग खड़े हैं। पर बाय द वे, इतना करीब खड़ा नहीं रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। और ये है दुर्ग एक्सप्रेस जो आ चुकी है बटनी स्टेशन पर। A3 नंबर है ये, S1 में फूफा जी ने बोला था, तो ये S7 है, ये X6, S5 लगता है उधर आएगी, S4,
S3, S2, S1, S1 उधर रुक गई है शायद, बोगी। अभी हमको आगे चलना पड़ेगा। देखिए ट्रेन आते ही कितना लोग तेजी में हो गए हैं, पूरा सामान अपना जल्दी जल्दी रख रहे हैं। और S1 नंबर बोगी पीछे है, तो अभी हम वहाँ पे चलते हैं। S1 नंबर बोगी पे के पास हम आ गए हैं, और देखते हैं कि अभी अपनी कहाँ है। गाइस अपनी फुआ जी आगे आगे चल रही हैं, और हम उनका बाइक लेके चल रहे हैं। हमारी फुआ आ चुकी हैं, और देखिए आप ट्रेन में कितना भीड़ है। तो अभी हम लोग बाहर चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस अभी हम स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से सलेमपुर फुआ को छोड़ने के लिए। तो ये गाइस अभी अभी हम बुआ को लेकर रूम पे पहुँचे हैं, और हम बिस्तर पड़ गए हैं, थक गए हैं। और ये देखो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, पढ़ता नहीं है, बस इधर बैठा रहता है। तो अभी हमको यहाँ से घर चलना पड़ेगा, तो चलते हैं, तो मिलते हैं। दादी हमारी उधर है, और ये इधर क्या कर रहा है, पढ़ने नहीं गया है। देखिए इस बच्चे को ध्यान से, ये GM अकेडमी पढ़ता है सलेमपुर। और ये का रूम, छोटा सा ये रूम है अपना, इसमें ये लोग रहते हैं। और बाल तो हमारा पूरा खराब हो गया है, हेलमेट लगाए लगाए। ये हमारी उधर है, बर्तन धुल रही हैं। तो हे गाइस अभी हम रूम पर से चल रहे हैं घर, गांव। चलिए गांव चल कर मिलते हैं आप लोगों से। अभी हम रूम के बाहर आ चुके हैं। Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. So hey guys, just अभी हम घर पे पहुँचे हुए हैं। बाल पूरा खराब हो गया। ये लो झोले में कुछ सामान है, निकाल लो। हेलमेट रख देते हैं। मैं खाना नहीं खाएंगे, अब शाम हो गया, काफ़ी शाम हो गया है, तो अब खाना कौन खाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं कुछ काम है। जैक भी उधर बांधा हुआ है, उसको उधर बांधना है, फिर मिलते हैं। तो हे गाइस अभी हम खाना वाना खा चुके हैं, और कल सुबह में दादी का आँख बनवाना है, इसलिए हम अभी इस वक्त जा रहे हैं सलेमपुर, क्योंकि की सुबह 6 बजे नंबर आएगा उनका, तो उतना सुबह जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम इसी समय से जा रहे हैं। अपना खाना पीना हो चुका है, अभी हम चल रहे हैं सलेमपुर, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से। तो इस बैग में अपना रात के लिए वहाँ पे लोवर और टी शर्ट रख लिए हैं, जाके चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है, अब तो सुबह में उससे भी ज़्यादा ठंड लगती, इसलिए अभी चलना है इसी वक्त, सही रहेगा। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से। तो गाइस अभी हम घर से निकल चुके हैं, देखिए फाइनली हम लोग रूम पे यहाँ पहुँच गए हैं सलेमपुर। भाई पूछिए मत, ओवर ब्रिज के पास इतना जाम था, शादी का समय चल रहा है, लगन का टाइम चल रहा है, इतना जाम था ओवर ब्रिज के पास कि निकलना मुश्किल था, कैसे भी करके आए। और बाइक यहाँ पे हम खड़ा कर दिए, और अभी हम चलते हैं। पर बहुत ज़्यादा भीड़ था भाई, बहुत ज़्यादा। तो ये गाइस अभी हम लोग रूम पे पहुँच गए हैं, और कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिए, अभी हम लोग चलते हैं सोने, और सुबह में दादी को लेके जाना है बनवाने के लिए। वीडियो YouTube पे जाए, YouTube पे। तो इधर हमारी दादी बैठी है, और हम कपड़ा वपड़ा चेंज कर बैठ गए इधर बुआ।
तो अभी सुबह में जल्दी से जाना पड़ेगा, 6 बजे नंबर है दादी का। तो आई चलो होप फिर आप लोगों पढ़ को भी ये हो ब्लॉग गए, कोई पसंद बात आया नहीं। होगा, ले बाय, खाना तो हमारे दी चैनल को लाइक एंड बाबू, मैं सब्सक्राइब जाने कीजिए। वाली मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक लिए बाय, गुड नाइट। हूँ। ए बाबू कर कर